गुरु महाराज ना गुरबाणी में बड़ा प्यारा फरमाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, मिट्यंत सगल सिमरंत हर नाम नानक, जैसे पावक काष्ट पसम क्रोध। है ना, मतलब गुरु महाराज सीधा कह रहे हैं कि जैसे यू नो एक लकड़ी होती है ना, ठीक है, लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो वो राख हो जाती है, भस्म ख़त्म। ठीक है, गुरु महाराज यहाँ पर ये हमें समझाना चाह रहे हैं कि हमारे भी जितने कर्मों का हम भंडार लेके आए हैं इस जन्म में, ठीक है, तो उन कर्मों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, वो गुरु महाराज कह रहे हैं सिमरन से, नाम सिमरन से किया जा रहा है। ठीक है, तो जो एग्जाम्पल गुरु महाराज ने दिया है उसी एग्जाम्पल को ज़रा करके देखते हैं एक बारी। ये लो, मैं दे रहा हूँ, ये लो माचिस है, ठीक है, आपको लकड़ी दी है आप सबको, ठीक है, आप जला के देखो ज़रा लकड़ी जलती है कि नहीं जलती। ऑब्वियसली थोड़ी आग देंगे तो जल जाएगी, है ना, एंड उसके बाद हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो जलेगी और राख हो जाएगी, है ना। उसी तरह से गुरु महाराज कहते हैं कि हमारे जो कर्म है ना, ठीक है, वो भी राख कर देता है, क्या, नाम सिमरन राख कर देता है, ख़त्म हो जाएंगे कर्म, देन हम और वाहिगुरु जी, फिर और कुछ नहीं होगा, सब कुछ मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने जितनी जलाई है, ठीक है, बड़े आराम से जल गई आग, जलाई लकड़ जल गई। अब अगर सेम लकड़ है, ठीक है, सेम लकड़ है, आग भी है आपके पास, ठीक है, मैं बस इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, गीला कर दिया, ठीक है, अब पकड़ो, ठीक है, अब जलाओ, गीला जला के तो देखो जलेगी कैसे, नहीं करो करो कोशिश करो, चलो, मतलब पता है ना हमें कि भाई जो लकड़ी है वो नहीं जलेगी, क्यों नहीं जलेगी, गीली हो गई है, ठीक है, और जितनी मर्जी आग में डाल दो, जितनी मर्जी बड़ी आग में डाल दो, ऐसा सुनने में मिलता है या कभी खुद भी बिली खुद भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि गुरु महाराज तो कहते हैं कि नाम सिमरन कर तेरे कर्म कटेंगे तेरे को आनंद रस मिलेगा, पर उल्टा हुआ है, नाम सिमरन कर रहे हैं बट ऐसा लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, फर्क नहीं पड़ रहा, विकार वहीं के वहीं है। उल्टा कई लोगों को लगता है कि जब से नाम सिमरन शुरू किया है तब से विकार बढ़ गए हैं, गुस्सा ज्यादा कर रहा है, हौमे बढ़ गई है, ठीक है, काम क्रोध बढ़ गया है, पर और भी लोगों से कई बार सुना है, ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, हमें बहुत आता है, बड़ा नाम कर रहे हैं जी, कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, उतना कर रहे हैं, पर बात नहीं बन रही है ना। गुरु महाराज ने कहा है कि जैसे आग लकड़ को जला के राख कर देती है, नाम सिमरन भी हमारी कर्मों को जला के राख कर देता है, बट नाम सिमरन करी जा रहे हैं बट फर्क क्यों नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि जैसे लकड़ को भी अगर गीला कर दिया जाए जितनी मर्जी आग लगा लो, लकड़ आग नहीं पकड़ेगी और राख नहीं होगी, उसी तरह हमारी ज़िंदगी में वो पानी का काम कौन कर रहा है बता, माया कर रही है, कैसे, बेविश्वासी, मनमुखता, और तीसरा आ गया दूसरे का बुरा सोचना, ये तीन है ना, ये तीन एक तरह से आर्मी के जनरल्स हैं। बेविश्वासी के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, मनमुखता के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, मनमुखता, मनमुख का मतलब क्या है, जो अपने मन की करता है ना, तो गुरु महाराज यहाँ पे हमें ये समझा रहे हैं कि हम नाम सिमरन करें बहुत अच्छा है और उसको बढ़ाएं वो बहुत अच्छा है, लेकिन तब तक तेरे को चेंज नहीं महसूस होगा जब तक तेरी जो ये रहनी बहनी है ना उसमें से ये मनमुखता, दूसरे का बुरा सोचना और बेविश्वासी नहीं निकल जाती, और हम लोग इन चीज़ों में ट्रैप्ड हैं और हम लोग करते हैं ऐसे कर्म
अमृत वेले नाम सिमरन करते हैं, दिन में जितना भी नाम सिमरन करते हैं उससे मान लो हमारे 1000 कर्मों का की पंड है, उसमें से 100 कर्म हमने काट दिए आज नाम सिमरन करके, पर दिन में ये जो बेविश्वासी और मनमुखता के हमने जो कर्म किए उससे 1000 कर्म और चाड़ लिए, 1000 कर्म और ऐड कर दिए हमने। होता क्या, बंदी को कुछ फर्क ही नहीं महसूस होता। बंदा कहता है मैं एवरी डे अमृत वेला भी संभाल रहा हूँ, मैं एवरी डे स्नान प्रॉपरली कर रहा हूँ, ठीक है, मैं नाम सिमरन सिमरन भी बहुत करता हूँ, मूल मंत्र का, गुरु मंत्र का, बट फर्क नहीं महसूस हो रहा। तो हमारी जो दिन क्रिया है ना, नाम सिमरन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको अब हम साइड पे रख दें, कि हमारी जो दिन क्रिया है ना वो हम गुरु की बताए हुए डिसिप्लिन पे चल रहे हैं कि नहीं, ये हमें एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सब ये बताओ कि आपको लगता है कि कुछ ऐसे कर्म हम लोग कर जाते हैं या करते हैं जो कि गुरमत में नहीं है, राइट? हाँ, नाम सिमरन हो रहा है बहुत अच्छा, ठीक है, वेरी गुड, लेकिन वो नाम सिमरन की जो कमाई है उसको खर्च मत कर दो पूरा दिन बुरे कर्म करके या अपने आप पे और ज़्यादा कर्मों का भार इकट्ठा करके। उससे क्या होगा कि अगर आपने अपना दिनचर्या की डिसिप्लिन को ठीक नहीं रखा तो धीरे धीरे क्या होगा कि नाम सिमरन से बिना बंदे का विश्वास उठता जाता है, क्योंकि बंदे को लगता है कि हाँ गुरु महाराज कह तो रहे हैं, नाम सिमरन की वड्याई बहुत है और नाम सिमरन में सब कुछ है, सब कुछ मिलता है, बट मैं तो वहीं का वहीं खड़ा हूँ, मेरे को तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल हो गए करते हुए। और ये वाली जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, ये मैक्सिमम लोगों में मैंने देखा है कि इस चीज़ की कमी है, जिसकी वजह से उनको अपनी लाइफ में फ़र्क नहीं महसूस होता। अब ये आप खुद एनालाइज करो, ये करना है, ठीक है, खुद एनालाइज करना है कि दिन में मैं ऐसे कौन से काम करता हूँ या कौन से काम करती हूँ जिससे जो गुरमत में जो गुरु महाराज नहीं पसंद करेंगे, इस तरह से सोच लिया करो, ये चीज़ ज़्यादा ईजी रहती है। फिर क्या होता है अगर हम इस तरह से ना सोचते ना, हम लोग इसी कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं कि ये हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है, हम लोगों को बड़े सवाल आते हैं कि ये हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं कि, काफ़ी सारे क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं टू अंडरस्टैंड कि ऑब्वियसली गुरु महाराज इस चीज़ को क्यों पसंद करेंगे। आप गुरु महाराज का इतिहास या गुरबाणी कहीं पर देख लो, अगर वैसा कुछ किया हो गुरु महाराज ने या उनके गुरसिखों ने, जैसे एक छोटी सी चीज़ है नाच गाना, नाचना, एक होता है, चलो मैं उस चीज़ को साइड पर रखना चाहता हूँ कि एक जब बंदे को बहुत आनंद रस चढ़ जाता है तो बंदा कई बार वो धुन में भी चला जाता है, पर वो वाला नाचना नहीं होता जो नाचना आजकल हम लोग जिस तरह से नाच रहे हैं, ऊंची ऊंची गाने लगा के, गंदे गंदे लिरिक्स पर, ठीक है, गंदे गंदे गानों के ऊपर हम लोग नाच रहे हैं, एंड वी कॉल इट सेलिब्रेशन। तो कई बार हमें ऐसा, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को, कि हमें इस तरह के सवाल आते हैं कि सिक्खी में नाचना है, क्या हम नाच सकते हैं? यू जस्ट इमेजिन यार, चलो मैं गुरु महाराज का नाम नहीं, गुरु महाराज को के बारे में नहीं बात करना चाहूँगा, आप किसी गुरसिख, किसी को ऐसे महान गुरसिख को सोच के देखो कि वो डीजे चल रहा हो और वो नाच रहे हो, कैन यू इमेजिन दैट इवन? नहीं, राइट? आई एम सॉरी, बट कई बार समझाने के लिए इस तरह इस जगह पर जाना पड़ता है कि जस्ट इमेजिन करके देखो यार, हम खुद सवाल पूछ रहे हैं कि भी हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम मोबाइल लेकर इंटरनेट पर वैसे ही बैठते हैं, स्क्रोलिंग कर रहे थे, आजकल काफ़ी दुनिया ये काम कर रही है, दे आर नॉट स्क्रोलिंग इंटरनेट, दे आर स्क्रोलिंग देयर लाइफ, वेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ को। और जब आप स्क्रोल कर रहे हो बेमतलब के तो आपको लगता है कि ये सवाल किसी को पूछने की ज़रूरत भी है? वी कांट इमेजिन कि गुरु महाराज क्यों पसंद करेंगे हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब वो टाइम वेस्ट किसी भी तरह से हो सकता है, दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे शप्पे मारने में, चलो हाय हेलो ओके क्या हाल है वो करके उस चीज़ को साइड पे रख दो, उसके बाद घंटा घंटा दो दो घंटा लोग बैठ के फजूल बातें करेंगे जिसका कोई लेना देना नहीं है किसी चीज़ से, फजूल बातें। और ये मैं आपको बता दूँ कि हम सब इस चीज़ में फंसे हुए, अगर आप मेहनत करोगे इस चीज़ पर, सीरियस होगे गुरु महाराज के लिए, गुरमत के लिए, तो धीरे धीरे आपको ना उस
उस सिचुएशन से इरिटेशन होनी शुरू हो जाएगी, विच इज़ गुड, कि बैठे हैं एंड फजूल बातें करी जा रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा हुआ था वहाँ पर, ये चीज़ हुई थी वहाँ पर, वो चीज़ हुई थी। बहुत लोग हैं मैक्सिमम घरों में, आप देखोगे जो हमारी पिछली जनरेशन है, एटलीस्ट हम लोगों को सोशल मीडिया ने फंसा लिया है, पिछली जनरेशन को अखबारों ने, मैगजीन्स ने और इस तरह की फजूल चीज़ों ने, गप्पे छप्पे मारने में, गेट टुगेदर, उन चीज़ों में फंसा लिया। तो अगर अपनी लकड़ें जलानी है तो मेक श्योर गीली ना हो, गीली करके जलाने जाओगे फिर वो बेवकूफ़ी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर गीली हो गई है तो जलाने की ज़रूरत नहीं है, जलाना तो है ही है, क्योंकि अगर गीली कम हो, गीली ज़्यादा ना हो तो कई बार आग पकड़ लेती है लकड़, और वही होता है हमारे साथ एक्चुअली, हमारा इतना भी गीला नहीं है तभी हम लोग चल पा रहे हैं। अगर बहुत गीला होता और बिल्कुल नाम सिमरन का फ़र्क नहीं पड़ रहा तो बंदा बहुत जल्दी टूट जाता, बहुत जल्दी। चरण कर पाव के लोएण सुरत करे, नानक कहे सियाणिए इवकंत मिलावा होए।